राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की हालिया रिपोर्ट देश में लैंगिक अनुपात में संतोषजनक सुधार का प्रस्तुति करती है। इसके मुताबिक देश में पहली बार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या 1020 पहुंच गई है। हालांकि यह एक सर्वेक्षण रिपोर्ट है, जब तक आगामी जनगणना की रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक राष्ट्रीय लिंग अनुपात में बदलाव की सही तस्वीर सामने नहीं आएगी। यदि भी पिछले 3 दशक में देश में लिंग अनुपात में सुधार आया है, 1991 की जनगणना में देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात 927 था, 2001 में 933 और 2011 में 943 दर्ज किया गया था, तो वहीं 2015 से 16 में हुए इस राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में लिंग अनुपात 991:1000 बताया गया। इससे स्पष्ट होता है कि देश में लिंग अनुपात की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। लिंग अनुपात में हो रहे सुधार में बड़ी भूमिका में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी हो रही है। इस अभियान ने लोगों को बालिकाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूक किया है। आपको बता दें तो वहीं कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तथा लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने में ये काफ़ी मददगार और सफल साबित हुआ है। साल 2015 में इस अभियान की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से की थी। एक सभ्य और आदर्श समाज की स्थापना के लिए जरूरी है कि समाज में स्त्री और पुरुष का अनुपात समान रहे। इसकी बिगड़ती स्थिति कई सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं की वजह बनती है। एक प्रगतिशील समाज भी उसे ही माना जाता है जहां स्त्री पुरुष संख्या में अत्यधिक भिन्नता ना हो, साथ ही महिलाओं को समान रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और अवसर आदि उपलब्ध कराए जाए। हालांकि देश में आज भी विद्यमान परिवार प्रणाली के कारण अत्यधिक पुत्र मोह की भावना तथा तरह तरह की गली गली में खुले जांच घरों में अवैध और चोरी छुपे होने वाले भ्रूण जांच के कारण कई बच्चियां बाहर की दुनिया देखने से ही पूर्वी दम तोड़ने को बाध्य कर दी जाती हैं। दरअसल किसी क्षेत्र में अगर स्त्री की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक होती है तो इसे अनुकूल लिंग अनुपात कहते हैं। अधिकांश विकसित देशों में अनुकूल लिंग अनुपात पाया जाता है क्योंकि वहां पर स्त्री पुरुष भेदभाव नहीं करके बराबर देखा जाता है, दोनों को समान रूप से विकसित होने के लिए ध्यान दिया जाता है। तो वहीं किसी क्षेत्र में अगर स्त्री की संख्या पुरुषों की संख्या से कम हो तो इसे प्रतिकूल लिंग अनुपात कहते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण स्त्री और पुरुष में भेदभाव है। पुरुषों को स्त्रियों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है, ज़्यादातर विकासशील देशों में ऐसा देखा जाता है। इनके अलावा संतुलित लिंग अनुपात की स्थिति में स्त्री और पुरुष की संख्या लगभग बराबर होती है। जी हाँ, ऐसे क्षेत्रों में जन्मदर और मृत्यु दर बराबर और उच्च होता है। प्राकृतिक दृष्टि से पुरुषों का जन्म स्त्रियों के जन्म से अधिक होता है और मृत्यु दर में भी पुरुषों की मृत्यु दर स्त्रियों के मृत्यु दर से अधिक होती है, जिसका लिंग अनुपात संतुलन में बना रहता है। प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक रहने वाले क्षेत्रों या पिछड़े क्षेत्रों में ऐसी स्थिति पाई जाती है। अभियानों का ही नतीजा है कि अब बेटियों के प्रति लोगों की परंपरा तथा संकीर्ण सोच बदल रही है। केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना, झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना और CBSE के सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप योजना जैसे कार्यक्रम में भी देश में करोड़ों लड़कियों के लिए उन्नति के नए रास्ते खोल रहे हैं। जी हाँ, सरकारी प्रयासों से इधर विभिन्न क्षेत्रों की सफल महिलाएं प्रतिभाओं ने भी समाज की अन्य लड़कियों को घर की चौखट लागने तथा इतिहास रचने को प्रेरित किया है। शिक्षा, खेल, विज्ञान, राजनीति तथा पत्रकारिता जैसे सभी क्षेत्रों में महिलाएं सफलता का झंडा फहरा रही हैं। तमाम साहित्य, सिनेमा और कला भी बताते हैं कि नारी के बिना पुरुषों का कोई अस्तित्व ही नहीं है।
डॉक्टर सेमुअल जॉनसन के शब्दों में, नारी के बिना पुरुष की बाल्यावस्था असहाय है, युवा अवस्था सुखहरित और वृद्धावस्था संतान देने वाले सच्चे और वफादार साथी से रहित है। जरूरी है कि देश का हर एक अभिभावक अपनी बच्चियों को शिक्षा और स्वास्थ्य के उचित प्रबंधन हेतु अपने हिस्से का फर्ज अदा करे।